757 में आज के दिन संत पॉल प्रथम कैथोलिक पोप बने थे। 1658 में आज के दिन औरंगजेब ने सानूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को पराजित किया। आज के दिन 1874 में स्विट्जरलैंड में नया संविधान प्रभावी हुआ था। 1906 में आज के दिन जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ। 1922 में आज के दिन इक्वाडोर को स्वतंत्रता मिली थी। 1947 में आज के दिन भारतीय मानक संस्थान की स्थापना हुई। 1953 में आज के दिन एडमंड हिलेरी और शेरपा जिनजिंग नॉर्गे इतिहास में पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। 1959 में आज के दिन चार्ल्स द गॉल ने फ्रांस में सरकार का गठन किया। 1968 में आज के दिन दारा सिंह कुश्ती के विश्व चैंपियन बने थे। 1972 में आज के दिन भारतीय सिनेमा में अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ। वे हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। पृथ्वीराज ने वर्ष 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। वर्ष 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। पृथ्वीराज कपूर को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1987 में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। 1990 में आज के दिन बोरिस यल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। 2007 में आज के दिन जापान की रियो मोरे मिस यूनिवर्स बनी।